जब आप इस नाश्ते को बनाकर खाएंगे ना, तो पक्का आपको पानी पूरी की याद आने वाली है। बहुत ही टेस्टी चटपटी लगने वाली है। वैसे तो देखा जाए तो पानी पूरी का एक अपना अलग टेस्ट है, अलग स्वाद है, लेकिन इस नाश्ते का भी बहुत ही गजब का टेस्ट लगने वाला है, बहुत ही मस्त मस्त लगने वाली है। एक बार आप जरूर बनाइएगा। लेकिन सबसे पहले हेलो दोस्तों, आपका सुषमिता चैनल में, कहो कैसे हो आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए आपको सबसे पहले छोटे साइज के 2 से 3 आलू लेने हैं। आलू को उबालकर आलू का छिलका निकालिए, हल्का सा ठंडा कर लीजिए। फिर आप आलू को बारीक कद्दूकस कर लीजिए। आप देख रहे हैं ना, आलू में लम्स बिल्कुल नहीं है। जब आप आलू को कद्दूकस करेंगे तो आलू में गुठली आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आलू को खस्तापन देने के लिए यहाँ पर हम डाल देंगे 1.5 चम्मच चावल का आटा। फिर उसी चम्मच से 2 चम्मच भर के आपको डालना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, चावल का आटा कम डालिएगा नहीं नाश्ता फटने लगेगी। और कॉर्नफ्लावर आपको ज़रूरत के हिसाब से डाल देना है। तो 2 चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। इतना डालिए आलू की अच्छी सी एकदम नरम बाइंड हो जाए। पहले इसे अच्छे से हाथ से मिसलते हुए मिला लेते हैं। पानी यूज आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आलू गीले लगे तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल दीजिएगा। अच्छे से हमने मसल कर मिला लिया, देख रहे हैं ना, एकदम सॉफ्ट डो बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1/2 चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल। देसी घी डालकर 30 सेकंड के लिए हल्का सा मसल लेंगे। इससे क्या होगा, आलू हाथ से नहीं चिपकेगी। यहाँ पर हमने आलू को कूद कर रेडी कर लिया है। दूसरे प्लेट पर हमने ले लिया पहले से ही 2 चम्मच चावल का आटा और 1.5 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। दोनों को अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद इसे आप साइड में रख दीजिए। इस प्रोसेस को आपको पहले से रेडी रखना है। फिर यह बर्तन हमने ले लिया है, छोटे कप से 1.5 कप सूखा नारियल। नारियल को हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है। फिर आपको ड्राई फ्रूट डाल देना। ड्राई फ्रूट एकदम बारीक चॉप करके लेना है, क्रश करके लेना है। या फिर हमने काजू बादाम लिया है, एकदम बारीक क्रश कर लिया है। और थोड़ा सा हम डाल देंगे किशमिश। 1/2 चम्मच लगभग यहाँ पर हम डाल देंगे पोस्ता का दाना। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम धनिया पाउडर डाल देंगे। पिसी हुई चीनी डाल दीजिए 1/2 चम्मच लगभग, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा। भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए 1/2 चम्मच से भी कम। अगर आप नाश्ते को तीखा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हरी मिर्च भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, धनिया पत्ती भी बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा अगर आपके पास है। स्वाद के हिसाब से हमने नमक ऐड कर दिया। बाउल हमने ले लिया इमली की खट्टी मीठी चटनी। जो चटनी है ना, इसे हमने थोड़ा सा ज़्यादा तीखा बनाया है, इसलिए हमने हरी मिर्च का यूज नहीं किया है। 1/2 चम्मच से 1 चम्मच भर के हमने चटनी को डाल दिया, मिला देंगे। इतना चटनी डालिए हल्की सी बाइंड आ जाए, हल्की सी गीली हो जाए। अब आपको यहाँ पे डाल देना 1 चम्मच लगभग अमचूर पाउडर यानी मैंगो ड्राई पाउडर। इससे खट्टापन मिलेगा आपको। हमने पहले बता दिया, जो नाश्ता है ना आपको पानी पूरी की याद दिलाने वाली है। यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, जो चीज़ कम ज़्यादा लगे उसे आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। जो हमने आलू का आटा तैयार किया था उसकी नींबू की साइज की गोली बनाएंगे। चिकनी गोली बनानी है। गोली बनाने के बाद सूखा आटा लगाइए, इसे थोड़ा सा बटर कर लीजिए। 1.5 से 2 चम्मच आपको बुरादे को रखना है, इस तरीके से बीचों बीच रखना है, उंगलियों से दबाइए। जिस तरीके से हम भरवा पराठा बनाते हैं सेम उसी प्रोसेस से इसे अच्छे से रखना है, इसे तैयार करना है। कवर कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे कट करके निकाल दीजिए। अंगूठे से इस तरीके से चारों तरफ से आपको चिकना करना है और इस तरीके से बड़े साइज़ के लड्डू बनाकर आपको चारों तरफ से चिकना करना है। एकदम हल्के हाथ से बनाना है। और जो ये मिश्रण आप भर रहे हैं ना, इसे आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, यानी 2 से 2.5 चम्मच भी रह सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं। जो प्लेट में आपने चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके तैयार किया था उसे इस तरीके से हल्की सी पतली सी कोटिंग कर दीजिए। आप देख रहे हैं, कोटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा आटा इस तरीके से हाथ पे लेते हुए, हथेलियों पे लेते हुए, हिलाते हुए निकाल दीजिए। फिर इस तरीके से चारों तरफ से इस तरीके से आपको इसे रब करते जाना है, पतली सी कोटिंग करनी है। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल दीजिए। जब आप इस नाश्ते को बनाकर खाओगे ना, तो दोबारा जरूर ट्राई करोगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। पानी पूरी की पक्का याद दिलाने वाली है। वैसे तो पानी पूरी नहीं है, लेकिन टेस्ट तो लगभग सेम सेम वही मिलने वाला है। तो नाश्ते को बनाकर हमने प्लेट में रख लिया, अब आपको हाथ में लेके दिखा रहे हैं। देख रहे हैं ना, कहीं से भी नहीं चिपक रही है, क्योंकि हमने आटे की एक पतली सी अच्छी सी कोटिंग कर ली है। इधर हमने धीमे आंच पे तेल को गर्म कर लिया। तेल को आपको ज़्यादा नहीं गर्म करना है, बस हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। तेल भी जब गर्म हो जाए तो नाश्ते पहले थोड़े से नाश्ते को डालकर देख लीजिएगा। अगर नाश्ता तेल में नहीं फैले ही, यानी जो नाश्ता एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं ना, कहीं से भी तेल में नहीं फैले तो साइड से भी हम नाश्ते को डाल देंगे। गैस को आपको लो टू मीडियम रखना, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं इसे फ्राई करना है, नहीं तो बाहर से क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस साइड से हम नाश्ते को डालते जा रहे हैं और तुरंत आपको नहीं चलाना है। जब आपको लगे नीचे से सीख गई, तब इसे उलटते पलटते हुए अच्छे से लाल कर लीजिए।
बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, कोई नहीं बता पाएगा कि आपने इसे आलू और नारियल से बनाया है। ड्राई फ्रूट्स में आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं जो हमने यूज़ किया आप बोले, बस जो भी ड्राई फ्रूट्स ले उसे बारीक कद्दूकस करके ही ले। नाश्ते को बना लिया, अब इसे बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देते हैं। आगे में पानी, आप देख रहे हैं कितनी टेस्टी लग रही है, कट करके दिखा रहे, बहुत ही सॉफ्ट है, नरम है, मुलायम है। और जिनके मम्मी के मुँह दाते हैं ना, वो भी आराम से इस नाश्ते को खाएंगे, बच्चे तो जान लेने वाले हैं। अगर आपको इस नाश्ते की रेसिपी आपको जरा से भी पसंद आई है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिएगा। लाइक वाले बटन को जरूर क्लिक करिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।